सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपने ओ और औ की मात्राएं पढ़नी सीख ली हैं, लेकिन इन दोनों के उच्चारण में कुछ अंतर है, तो आज हम एक बार फिर से इनका अभ्यास कर लेते हैं। ये देखिए, ये लगी ओ की मात्रा, है ना। ओ ये बना ओ और ये बना औ। देखिए, इसे बोलेंगे ओ और इसे बोलेंगे औ। ओ र औ र, इस पे हम लगाएंगे श पे ओ की मात्रा, तो ये बना शो। और इस श पे हम लगाएंगे औ की मात्रा, तो ये बना शौ। ये है सो और ये है शौ। शोक शौक, इस ल पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ये बना लो। और इस ल पर हम औ की मात्रा लगाएंगे, ये बना लौ। ये है लो और ये है लौ। लोटा लौटा, इस ग पे हम लगाएंगे ओ की मात्रा, ये बना गो। और इस पर हम ग पे औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना गौ। ये है गो और ये है गौ। गो री गौ री, इस न पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना नो। और इस न पर हम औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना नौ। ये है नो और ये है नौ। नोक नौका, इस क पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना को। और इस क पे हम औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना कौ। कौन कौन, इस च पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना चो। और इस च पे हम औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बना चौ। ये है चो और ये है चौ। चोट चोट, और ये है चौड़ा। चोट चौड़ा, इस त पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा तो। और इस त पे हम औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा तो। तो तो, तोता तो ला तोला, इस ख पे हम ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा खो। और इस ख पर हम औ की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा खौ। ये है खो और ये है खौ। खोलना खौलना। तो देखा बच्चों आपने कि ओ और औ की मात्राओं में के उच्चारण में क्या अंतर होता है, किस प्रकार का। तो आप लोग भी घर पर ओ और औ के मात्रा के शब्दों को लिखेंगे और इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे।